पे इतनी धांधली चल रही है, चेकिंग के नाम पे सिर्फ फ्रॉड किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे जानवरों वाला ट्रक पकड़ा गया है, इसकी असलियत क्या है। इधर कीजिए, ये देखिए, इसका नंबर जो है ये ग्रीस के साथ बनाया गया है, इसका कोई नंबर नहीं लिखा गया है। 3 की जगह 8 किया गया है, 5 किया गया, 6 ऐसे ही पीछे किया गया है। हम ये कहते हैं कि ये चेकिंग कहाँ पे हो रही है, क्या इनका कोई डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, कोई इनको देख रहा है? ये जो गो हत्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रहा है काम, इसके कब लगाम लगाई जाएगी और कौन लगाम लगाएगा? अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस ये लगाम नहीं लगा सकते तो कौन लगाम लगाएगा? कितनी बार हमें इनके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पे गौर करे। अगर ये गाड़ी लखनपुर से निकली है तो कैसे निकली है? उसे किसी ने चेक किया है? इसकी रसीद कटोई है, वहां पे इसने टोल कटाया है, बिना टोल के आ गई है, टोल वालों ने चेक किया है, इसके बीच में क्या है क्या नहीं, किसके द्वारा निकाले जा रहे हैं, इसका गौर से किया जाए। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर उस बंदे पे गौ हत्या का मुकदमा नहीं डाला गया, उसके ऊपर ये केस नहीं लगाया गया, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमें दोबारा सड़कों पे आना पड़ेगा और हम सब सड़कों पे आएंगे।